आइए, आपका स्वागत है। आपकी सोच और आपका विचार और आपका विश्वास, इसके बारे में आज बातचीत करते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में अकोला में प्रैक्टिस करता हूँ। यदि आपकी सोच ऐसी है कि यह सच है या यह वास्तविक है, तो वह आपके लिए वो सच हो जाएगा या वास्तविक हो जाएगा। यदि आप वो मानते हैं कि यह सच है या वास्तविक है, आपका मानना है, तो वो ऐसा ही हो जाएगा। आपके दिमाग में अरबों विचार आते रहते हैं। 50,000 से 60,000 विचार आपके दिमाग में आते रहते हैं। आपकी माँ बाप की जो सोच है, वही सोच आपके दिमाग के ऊपर बार बार आती रहती है और वहां से आपकी भी सोच तैयार होती है। मगर ये जरूरी नहीं है कि आपके माँ बाप की जो सोच थी वही सोच आपने लेना चाहिए, क्योंकि ये आप चुन सकते हैं। क्या सोचना, कहाँ विश्वास रखना, ये आप सोच सकते हैं। कुछ लोग जो है वो अपना विश्वास कुछ चीजों के ऊपर बना लेते हैं। समझो आपको जिंदगी में आर्थिक संकट आ गया, या आप कहीं कर्जा या ऋण चुका नहीं सक रहे, या उसमें कोई प्रॉब्लम आपको आ रहा है, तो आपका फिर विश्वास आपके दिमाग में बन जाता है कि मैं अमीर बनने के लायक नहीं हूं। और वो विश्वास जो है फिर आपको वो चलाते रहता है। फिर आप जहां भी जाएंगे वहां वही विश्वास बैकग्राउंड में वो कैसेट चलती रहती कि मैं अमीर बनने योग्य नहीं हूं और मुझे आर्थिक संकट का हमेशा सामना करना पड़ता है। यदि आपका वातावरण में सब घटना होती रहती, यदि आपका प्यार कहीं टूट गया या माँ बाप ने आपके ऊपर प्यार नहीं किया ऐसा आपको लगता है, और वो आपका विश्वास जो है कि मैं प्यार करने योग्य नहीं हूं, ये आपकी जिंदगी चलाता है। या फिर कोई आपको समस्या आती है बाहर से, और वो समस्या आपको लगती है कि बाहर से आई समस्या जो है वो मेरे ऊपर आ रही है, और आपने उसके ऊपर विश्वास कर लिया कि मुझे इतनी समस्या क्यों आती है, और फिर आपने यह विचार आपने मन में ला लिया कि मैं उतना अच्छा नहीं हूं और उतना काबिल नहीं हूं, तो फिर बस वही आपको विचार और वो विश्वास आपकी जिंदगी चलाएगा। यदि आपको ऐसा लगता है कि भाई लोगों को मैंने खुश करना चाहिए, लोगों को ना नहीं बोलना चाहिए क्योंकि लोग हर्ट हो जाएंगे, और लोगों को मैं खुश करने में लगा हूँ, धीरे धीरे मेरा विश्वास ऐसा हो जाएगा कि मैं मेरी तरह जिंदगी नहीं जी सकता और मैं सफल नहीं हो सकता। तो ऐसे विचार जो है, ये विचार और ये विश्वास, यदि हम ये कर सके कि वातावरण में जो भी कुछ हो रहा है उसको अलग रखे, और वहां से मेरा एक विचार और विश्वास दिमाग में तैयार करना, तो ये दोनों का जोड़ नहीं है, उसका कनेक्शन अपन ने अलग कर लिया, उसको डिटैच कर लिया कि वातावरण में जो भी हो रहा है वो हो रहा है, मैंने उसके ऊपर कुछ मेरा विश्वास बना लेना, मेरे बारे में कुछ खामियां ढूंढ लेना और बोलना कि मैं ऐसा हूं, इससे नुकसान मेरा हो रहा है। क्योंकि ग्लास आधा भरा हुआ है कि आधा खाली है, ये सोच है, ये मेरा दृष्टिकोण है, और मैं जो दृष्टिकोण से देखता हूं वो चीज की तरफ, जैसा विश्वास मेरे बारे में मैं तैयार करते रहता हूं, वहां से फिर मेरी जिंदगी जीना चालू करता हूं, वो कैसेट बजती रहती है पीछे, फिर मैं कहीं भी जाऊं तो मेरे दिमाग में यह है कि मैं अमीर बनने योग्य नहीं हूं, मैं इतना अच्छा नहीं हूं, मेरे ऊपर कोई प्यार नहीं करते, मैं सफल नहीं हो सकता, लोग मुझे सपोर्ट नहीं करते, मेरी सहायता नहीं करते, मैं लोगों के साथ में काम नहीं कर सकता, मैं हमेशा लोगों के ऊपर विश्वास डालता हूं, मेरा विश्वासघात हुआ है तो मैं किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकता और लोग ट्रस्ट करने योग्य नहीं है, ऐसे अनेक विश्वास जो है, मैं कोई और एक विश्वास है बहुत बड़ा कि नहीं, मैं जवाबदारी जब जब लेता हूं तो मैं फंस जाता हूं और असफल हो जाता हूं, तो मैं जवाबदारी लेने योग्य नहीं हूं, यह विश्वास। तो ऐसे जो विश्वास है वो हमारी जिंदगी चलाते रहते हैं, और वह जिंदगी जो चलाने वाले विश्वास है वो हमको एक तो बहुत नीचे लाते हैं, वो जो है कि मैं इतना अच्छा नहीं हूं जो मुझे चला रहा है, वो बार बार कैसे दिमाग की बंद करना और मैं संपूर्ण परिपूर्ण अखंड अनंत हूं वहां से ऑपरेट करना, ये करेंगे तो जिंदगी बहुत पावरफुल बन जाएगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।